जमालानी चॅनलचं सर्व प्रेक्षकांना शैलेंद्र चौधरीचा नमस्कार. नंदुरबार येथील जमियते उलमे हिंद मशिदीचे प्रमुख मौलाना झकरिया रहमानी यांनी उद्या साजऱ्या होणाऱ्या ईदनिमित्त नंदुरबार शहरातील तमाम मुस्लिम बांधवांना कुणीही ईदगाह मैदानावर नमाज पठणासाठी जाऊ नये आणि अशाच प्रकारे कोणत्याही स्थानिक धार्मिक स्थळावर 5 पेक्षा जास्त लोकांनी नमाज पठणासाठी जाऊ नये. तसेच सुट्ट्यानंतर दर्गा गार्डन आदी ठिकाणी फिरण्यासही जाऊ नये. तसेच खास तरुणांसाठी विनंती करण्यात आली आहे की शहरात मोटरसायकलवर विनाकारण फिरू नये आणि नंदुरबार शहरात आणि देशात कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता प्रशासनानं दिलेल्या सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं असं आवाहन जामियात उलम ए हिंद मशिदीचे प्रमुख मौलाना झकरिया रहमानी यांनी केलं आहे. शैलेंद्र चौधरी, जयमलार न्यूज. मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हाफिज़ अब्दुल्ला पेश इमाम जामी मस्जिद नंदुरबार से ये ऐलान कर रहा हूँ कि शासन की तरफ से ये इत्तलाई है कि कोई भी हजरात ईदगाह में और मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ना जाए. सभी हजरात अपनी अपनी घरों में ईद की नमाज़ अदा करें और सभी हजरात इस बात का ख्याल रखें कि मौलिक बीमारी की वजह से सोशल डिस्टेंस वगैरह का पूरा पूरा ख्याल रखे, मास्क पहने और गर्दी इधर उधर रास्ते पर ना करे. रास्ते के एक तरफ से जाए आए और अपने अपने घरों में ही रहे, क्योंकि बीमारी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को लग सकती है. इसलिए सभी हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े, मस्जिदों में ईदगाह में कोई भी हजरात नमाज के लिए ना जाए. ये शासन की तरफ से ऐलान आया है, इसलिए सभी हजरात सब चीज़ों का पालन करें और ईद की नमाज़ अपने ही घरों में अदा करें. और सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को शहर की तरफ से, शहर के मुसलमानों की तरफ से ईद मुबारक हो.